मॉर्निंग 7th क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 6 केमिकल एंड फिजिकल चेंज. आवर लास्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. ओके, इस वीडियो दे विच आपा जानेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन की होंदा है और इस नाल रिलेटेड आपा एक्टिविटी 6.9 जड़ी ओ करांगे. इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. बच्चों आपा 6th क्लास भी पढ़ चुके हैं और वैसे जनरली भी असीं जानते हैं जिहड़ा साल्ट आ यानी कि नमक आ वह किस तरह सानू ऑब्टेन हुंदा है बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. जिहड़ा समुद्र दा पानी आ उहदे विच की हुंदी है इवेपोरेशन हुंदी है जिस द्वारा सानू की आ नमक जिहड़ा वह मिलदा है. द साल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर. जिस तरह जिहड़ी इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर हुंदी आ और जिहड़ा सानू साल्ट ऑब्टेन हुंदा है वह प्योर नहीं हुंदा. एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लीयरली. भाव जिहड़े क्रिस्टल्स की शेप आ ना वह भी असीं क्लीयरली नहीं देख सकते. भाव जिहड़े सॉल्ट हुंदा ठीक है जिहड़ी जिहड़ी फॉर्म दे विच मिलदा है उसनू की बोलदे आ क्रिस्टल्स बोलदे आ ठीक है. जिस तरह हुण पैकेट्स दे विच तुसीं घरां दे विच लै के आउंदे ना तुसीं जिहड़े उहदे छोटे छोटे दाने देखदे जो की हुंदे आ क्रिस्टल्स. हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सबस्टांस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशंस. बच्चों जिहड़े क्रिस्टल्स होंगे किसी भी प्योर सबस्टांस के वह किस तरह फॉर्म होंगे वो सोल्यूशंस तो फॉर्म होंगे ठीक है. द प्रोसैस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. और इस प्रोसैस में की बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. भाव कि जिम्मे सपोज करो तुम किसी भी चीज़ के क्रिस्टल्स फॉर्म करने ठीक है. तो तुम किस तो फॉर्म करोगे सोल्यूशन तो जिस तरह जो सू नमक मिलता है सू नमक मिलता है समुद्र तो और समुद्र के हों जो नमक आ घुलिया हों लिक्विड फॉर्म के सोल्यूशन हों और असं की है बाय द प्रोसैस ऑफ इवेपोरेशन उस सोल्यूशन तो नमक को अलग कर दें. सो दिस प्रोसैस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. भाव जी क्रिस्टलाइजेशन है ये की आ फिजिकल चेंज हों. नैक्सट एक्टिविटी 6.9 आ टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर ठीक है. जो अपने स्कूल ओपन होंगे आप एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करा ठीक है. ये कुछ कॉशनस भी है यूज ऑनली डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. ये आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना वह भी डिल्यूट डिल्यूट भाव लिक्विड फॉर्म के और जो बॉयल करना है वाटर नू थोड़ा सावधान रहना है केयरफुल रहना है. सो आप देखते हैं कि इस एक्टिविटी के आप करना है. लेट्स स्टार्ट. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बच्चे एक एसिड हों जो साड़िया लैबोरेटरीज के जल्दी मिल जाता है. तुसी एक वाटर का बीकर लेना है ठीक है. भाव तुसी बीकर दे विच फुली वाटर ऐड करना है उस बाद कुछ ड्रॉप्स तुसी डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दियां दे विच ऐड करनिया है. हीट द वाटर उस बाद तुसी इहनू की करना है हीट करना है. वैन इट स्टार्ट्स बॉयलिंग जदों तुसी हीट करोगे तो वह बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है. ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टारिंग कंटीन्यूअसली. कॉपर सल्फेट बच्चों एक अलग कंपाउंड हुंदा है. जदों उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाने तुसी की करना है कॉपर सल्फेट पाउडर नू उहदे विच ऐड करना स्टार्ट कर देना है ते हौली हौली नाल दी नाल स्टार करी जाना है. स्टार भाव हिलाउणा ठीक है. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्वड. तुसी कंटीन्यूअसली कॉपर सल्फेट पाउडर नू पाई जाना है जिन्ना चिर तक लास्ट तक जिन्ना जदों कि होर पाउडर आप नहीं पा सकते. जिस तरह सपोज करो तुसी नींबू पानी बनाते जो ना तो तुसी उहदे विच शुगर ऐड करते जो तुसी किन्नी शुगर ऐड करते जो जिन्नी शुगर उस पानी के घुल सके. जदों ज़्यादा शुगर आप पा दें नहीं घुलती वो नीचे रहती है. इस तरीके कॉपर सल्फेट जोड़ा है ये ऐड करना है बट उन्ना ऐड करना जिन्ना घुल सके ठीक है. आफ्टर दैट फिल्टर का सोल्यूशन जोड़ा सोल्यूशन बन चुका है तुम इनू की करना है फिल्ट्रेट करना है विद द हैल्प ऑफ फिल्टर पेपर. अलाउ इज इट टू कूल फिर तुम इनू ठंडा होने वास्ते रहन दो. डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन वैन इट इज कूलिंग. जदों सोल्यूशन ठंडा हो रहा तो इनू बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना अनडिस्टर्बली उसको एक साइड पर रख देना है. लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद उस सोल्यूशन ध्यान नाल देखो. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. इफ नॉट वेट फॉर सम टाइम्स. देखो बच्चे इस तरीके पानी लैना वो की है पहला सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है उन्होंने हीट करना है
और सुबह नाल दी नाल तुसीं कॉपर सल्फेट जिहड़ा है उहदे विच ऐड करी जाणा ते उहनूं स्टायर करी जाणा है। कुछ टाइम बाद जदों उह ठंडा हो जाएगा तुहानूं उहदे छोटे छोटे क्रिस्टल्स जिहड़े आ दिखाई देणगे कॉपर सल्फेट दे। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन दिस चैप्टर। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। पर तुम इस चैप्टर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस बारे पढ़ चुके हो और तुम अपने आले दुआले जिन्हें भी चेंजेस होंगे कोशिश करया करो कि तुम मतलब ऑब्जर्व कर सको कि वह कौन सा चेंज है फिजिकल और केमिकल चेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। Thank you for watching video.